चैप्टर टू स्टार्ट कर रहे हैं जब उसके अंदर आज हम टॉपिक कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, देखो एक होती है हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एक होती है हमारी वाटर बाउंड्री, एयर बाउंड्री। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, एयर बाउंड्री इंक्लूड होती है। कैसे इंक्लूड होती है, इसका मतलब क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इसे हम पॉलिटिकल बाउंड्री भी बोल सकते हैं। एग्जांपल मान लिया ये है इंडिया और ये है कोई और कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मान लेते हैं, कोई और कंट्री। यहां पर सी है, तो ये जो अगर इंडिया की जो ये बाउंड्री है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री जिसे हम देखते हैं, ये होती है ज्योग्राफिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री ये वाली जो दिखती है, जहां अगर आपने सुना होगी कांटों की तार लगी होती है और जो भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ लगाते हैं, तो जो ये बाउंड्री इज डिफाइंड है, ये है हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अब ये है वाटर, अब इस कुछ ऐसी दूसरी कंट्रीज की ये जैसे बाउंड्री होगी, तो वाटर के अंदर कुछ नॉटिकल माइल्स तक, नॉटिकल माइल्स जैसे लैंड पर किलोमीटर्स में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ऐसे पानी में नॉटिकल माइल्स में करते हैं, तो ये कुछ नॉटिकल माइल्स तक इस कंट्री का राज होता है, इस कंट्री की टेरिटरी है, इसे वाटर बाउंड्री कहेंगे हम अपनी, ठीक है। ऐसे ही इसकी दूसरी कंट्रीज की भी ऐसी बाउंड्रीज होंगी, और ये जो है इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स। तो अब एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया एक शिप यहां पर खड़ा है इंडिया की बाउंड्री के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है ना। ऑब्वियसली डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो है ही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी में ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंक्लूड होती है, यानी कि अगर एक शिप यहां पर है तो वो हमारी इस पॉलिटिकल बाउंड्री यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो ऑब्वियसली है ही है। वाटर बाउंड्री, अब अगर ये शिप यहां आ जाता है तो ये हमारी वाटर बाउंड्री के अंदर है, ऑब्वियसली वाटर बाउंड्री डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। अब एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये शिप अगर यहां आ जाता है तो क्या होगा, क्या ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है? नहीं है। इंडिया का शिप की मैं बात कर रहा हूं, इंडियन शिप है, अगर वो इस वाटर बाउंड्री को पार कर जाता है तो क्या वो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है? नहीं है। वाटर बाउंड्री में है? नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि वो फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है। अब तुमको भी ये कैसे हो सकता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब अब तक आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये टेरिटरी जो हमें दिख रही है, जो हमें दिखती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है? नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी वो तो है ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी एक इनविजिबल टेरिटरी है, एक इनविजिबल बाउंड्री है, ऐसी बाउंड्री जहां मतलब हम बेशक अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री पार कर जाए, वाटर बाउंड्री पार कर जाए, अगर लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इंडिया से लिंक्ड है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एयरक्राफ्ट है, प्लेन है, वो इंडिया से उड़ा, इंडियन प्लेन है, इंडिया से उड़ेगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर चला गया, ठीक है, वाटर बाउंड्री के बाहर चला गया। एक लिमिट होती है एयर की भी, एयर बाउंड्री होती है हमारी एक, जहां कोई भी फॉरेन प्लेन आता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है
हमारे इंडिया की एयर बाउंड्री बनाने में, ऐसे इंडिया का प्लेन अगर बाहर जाता है तो किसी और की एयर बाउंड्री में घुसने के लिए उसे उस कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर इंडियन प्लेन ये क्रॉस कर गया तो ठीक है, हम कहेंगे हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर चला गया, वाटर बाउंड्री से बाहर चला गया, कहीं ना कहीं एयर बाउंड्री से बाहर चला गया, और वो कहीं और अगर लैंड कर जाता है तो मैं कहूंगा वो हमारी सारी बाउंड्री से बेशक बाहर है लेकिन वो फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है। उसको सैलरी तो इंडिया से मिल रही है ना, उसके क्रू मेंबर्स को, वो पायलट को सैलरी जो दे रहा है कौन दे रहा है? इंडिया। वो किसके लिए नौकरी कर रहा है? इंडिया के लिए। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां से लिंक्ड है? इंडिया से। तो बेशक वो किसी भी बाउंड्री से पार चला जाए, हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी में मानेंगे। यानी कि अगर एक इंडियन प्लेन ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर गया तो बेशक वो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, एयर बाउंड्री से दूर चला गया लेकिन वो फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। क्यों? वजह, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा, मान लिया हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री, जैसे मान लिया इंडिया ने, इंडिया की मिलिट्री किसी दूसरी कंट्री में हेल्प के लिए चली गई, मान लिया इंडियन मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान में चली गई हेल्प करने के लिए या वॉर करने के लिए, हमारी डोमेस्टिक, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर चली गई, वाटर बाउंड्री से बाहर, एयर बाउंड्री से बाहर, वो किसी और कंट्री में एस्टेब्लिश हुए हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं, फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में माने जाएंगे। बेशक वो हमारी सारी बाउंड्री से बाहर है लेकिन वो फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में माने जाएंगे। वजह क्या? क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनकी जो सैलरी है वो इंडिया से लिंक्ड है, उसे इंडिया में वो अर्न, इंडिया की वजह से वो अर्न कर रहे हैं। इसी तरह से जब किसी दूसरी कंट्री में, जैसे हमारी एम्बेसी होती है, एम्बेसी मान लिया यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक एम्बेसडर बिठा रखा है, राजदूत जिसे हम बोलते हैं। तो यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है उसके अंदर जो इंडियन एम्बेसडर है वो बेशक हमारे यहाँ की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से दूर है, वाटर बाउंड्री, एयर बाउंड्री पार करके है, लेकिन वो फिर भी वो एम्बेसडर जो इंडियन एम्बेसी में यूएस में है, वो जो एम्बेसडर है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर माना जाता है। तो इसका मतलब, अब मैं इसको थियोरटिकली, जैसे अगर आपका क्वेश्चन आता है कि वट इज डोमेस्टिक टेरिटरी या वट डज डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड, तो आप लिखोगे डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, एयर बाउंड्री, इट इंक्लूड्स शिप्स जिसे हम वेसल्स भी बोलते हैं, एयरक्राफ्ट्स, ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स थर्ड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑयल रिग्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, एम्बेसीज, इसे कॉन्सुलेट्स भी बोलते हैं, एक्सेट्रा, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। अब इसके बाद है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, व्हाट डज नॉट इंक्लूड इन डोमेस्टिक। नंबर वन, एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अगर हमारी कंट्री में एम्बेसीज है फॉरेन कंट्री की या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है फॉरेन कंट्री की जो यहां हमारी कंट्री में, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमारी एम्बेसीज
चाहे दूसरी कंट्री में, तो वो इंक्लूड होंगी। ऐसे ही दूसरी कंट्री की एम्बेसीज अगर हमारी कंट्री में, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां से लिंक नहीं है, वो उनका अपनी कंट्री से लिंक है। इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं इंक्लूड होगा? एम्बेसीज ऑफ फॉरन कंट्रीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरन कंट्रीज, बाहर वालों की यहां पर जो एम्बेसीज है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WHO, UNO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बाहर की कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बाहर की क्या होती है, किसी भी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी भी कंट्री की, ना सिर्फ हमारी, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती है। तो ये दोनों इसकी एक्सेप्शन है। अगले क्वेश्चन में आ रहा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी की एक्सेप्शन बताओ, या डोमेस्टिक ऐसी कौन कौन सी एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती है, तो आपने वहां पर ये दोनों लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होते हैं जो ये दो शर्तों को पूरा करते हैं। पहली शर्त क्या? हु रिजाइड्स इन दैट कंट्री, जो उस कंट्री में रिजाइड, रिजाइड मतलब रहना, जो उस कंट्री में रहते हैं, और दूसरा उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि जैसे अर्निंग हो गया कह सकते हो, उस कंट्री में ही होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो ये दो कंडीशन जो पूरी करता है उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मान लिया ऑस्ट्रेलिया से हमारे यहां घूमने के लिए आता है, तो क्या वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है? यहां इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? चेक करते हैं कंडीशंस पे, हु रिजाइड इन दैट कंट्री। एक तो उस कंट्री में रह रहा है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया से बंदा यहां घूमने आया है, तो ऑब्वियसली वो यहां पे रह रहा है। हाँ, वो रिजाइड तो कर रहा है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसकी जो अर्निंग है, जो कमा रहा है, वो हमारी कंट्री में नहीं है। इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया से जो यहां पर टूरिस्ट घूमने आया है, वो हमारे यहां का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वो रिजाइड तो कर रहे हैं यहां, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर नहीं है, इसलिए वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये जो लिमिट है ये 1 ईयर तक की है। ठीक है, अगर 1 ईयर के बाद भी वो अगर इंडिया में ही रह रहा है, घूम रहे है, तो हम उसको अपने नॉर्मल रेजिडेंट मान लेते हैं। मतलब कि अगर एक ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा यहां पर टूरिस्ट घूमने आता है, उस हमारी कंट्री में रह रहा है, रिजाइड कर रहा है, और 1 साल से ज्यादा यहां रिजाइड कर रहा है, 1 साल से ज्यादा उसे यहां पर हो गया है, चाहे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं भी है, हमें पता वो नहीं भी अर्न कर रहा, लेकिन फिर भी हम उसे अपना नॉर्मल रेजिडेंट मान लेते हैं। यानी कि ये जो लिमिट है इसकी, वो 1 साल है। 1 साल से ज्यादा अगर कोई भी यहां पर टिक जाता है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई यहां पर पढ़ने के लिए आया, वो 2-3 साल का कोर्स कर रहा है यहां पर, तो वो यहां का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। जैसे कि यहां पर पेशेंट्स हैं जो इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हुए हैं, वो यहां के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये उसके एक्सेप्शंस हैं। जो अच्छा, कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, और जैसे कि फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड मिलिट्री
फोर्सेस, तो ये भी एक्सेप्शन है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज मिलिट्री फोर्स की, अगर बाहर से जो एम्बेसी यहां आई हुई है उनका जो स्टाफ है वो भी हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वो रिजाइड तो यहाँ कर रहे हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर नहीं है। और जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन है जो है स्पोर्ट्स के लिए आए हैं, उनका भी यहां पर वो भी यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाते हैं। ऐसे ही जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मैंने अभी बताया भी था, WHO है, UNO है, IMF है, ये भी हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाते हैं। और कुछ बॉर्डर एरिया रेजिडेंट्स हैं, बॉर्डर एरिया रेजिडेंट्स, ये भी एक्सेप्शंस होते हैं, इनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। ये होते क्या बॉर्डर एरिया रेजिडेंट्स, मैं इसके बारे में बता दूं आपको। मान लिया ये इंडिया है, ये इंडिया का बॉर्डर और इधर है नेपाल। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे रेजिडेंट्स होते हैं जो रिजाइड तो यहां करते हैं और वर्क यहां करते हैं, ठीक है, मतलब वो डेली बेसिस पर यहां रहते हैं और बॉर्डर पार करके यहां पर वर्क, जैसे कुछ फार्मर्स हो सकते हैं, जैसे उनकी कुछ बॉर्डर पर खेत है तो कुछ यहाँ है कुछ वहां है, तो या उनकी शॉप हो सकती है या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, तो रिजाइड एक जगह है कर रहे हैं और वर्क दूसरी जगह कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां है, रिजाइड यहां कर रहे हैं, तो ये किस कंट्री के रेजिडेंट्स माने जाएंगे? ऐसे लोगों को पहले बता दूं, इनको हम बॉर्डर एरिया रेजिडेंट्स बोलते हैं। तो ये भी एक्सेप्शन है। अब इसको आप किस में, इनको नॉर्मल रेजिडेंट्स यहां का मानेंगे, इंडिया का या नेपाल का मानेंगे? तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये जहां पर रिजाइड करते हैं, रिजाइड करते हैं ना कि वर्क, जहां पर ये रिजाइड करते हैं, जहां पर ये रहते हैं, ये वहां कर वहां के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से कहां के, दे आर कंसीडर्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री वेयर दे लिव, जहां पर वो रहते हैं, वो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। ये जो ट्रांसफर इनकम वर्ड है ये पहले भी आ चुका है, फैक्टर इनकम भी पहले आ चुका है, शायद मैंने पहले ट्रांसफर इनकम आपको बताया नहीं था। सुन लो क्या होता है, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मैं आपको पहले बता चुका हूं, फैक्टर इनकम ऐसी इनकम जो फैक्टर्स को दी जाती है। फैक्टर्स कौन से होते हैं हमें पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे चार फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को जो इनकम दी जाती है, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो फैक्टर इनकम का मतलब है जो फैक्टर्स को इनकम मिलती है, ठीक है। ट्रांसफर इनकम का मतलब है जो किसी को भी अदर देन फैक्टर, जो अदर देन फैक्टर्स को मिलती है वो होती है हमारी ट्रांसफर इनकम। जैसे इसके कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि पेंशन, पेंशन नहीं बल्कि ओल्ड एज पेंशन, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये जो है ये ट्रांसफर इनकम है, ये इसके एग्जांपल्स है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, एक बात देखो, ये जो फैक्टर इनकम है ये टू वे इनकम है, टू वे यानी कि कुछ दिया तो बदले में कुछ मिला, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी और बदले में इनको इनकम मिली, यानी कि ये टू वे कंसेप्ट है, ये अर्न्ड इनकम है,
अर्नड इनकम, अर्न करनी पड़ती है, लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है ये वन वे इनकम है, सिर्फ आती ही आती है, इसके बदले में कुछ नहीं किया, कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। देखो ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े हो गए तो गवर्नमेंट ने पेंशन देनी शुरू कर दी, तो क्या इसके लिए कुछ सर्विसेज दी? नहीं, ओल्ड एज पेंशन, बस बूढ़ा हो गए तो गवर्नमेंट ने पेंशन देनी। स्कॉलरशिप, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए स्कॉलरशिप, ये भी वन वे है, इसके लिए कुछ नहीं किया। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, एक बंदे ने पढ़ लिख लिया उसको नौकरी नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट ने उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना शुरू कर दिया, ये ट्रांसफर इनकम कहलाती है, ठीक है, जिसके लिए कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, बस फ्री फंड। मैं ध्यान रखना यहाँ पे पेंशन की बात, वो पेंशन नहीं बात कर रहा कि जो नौकरी करने के बाद रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है वो पेंशन नहीं है, ये ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहा हूं। ओल्ड एज पेंशन जो है ये ट्रांसफर इनकम है, फ्री फंड में मिलती है, स्कॉलरशिप फ्री फंड की मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फ्री फंड का मिलता है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर इनकम है। और मैं इसके थोड़े से और एग्जांपल दे बता देता हूं आपको, जैसे कि आपको पॉकेट मनी मिलती है अपने पापा से, पॉकेट मनी, तो ये जो पॉकेट मनी है ये भी आपके लिए ट्रांसफर इनकम है, आपने इसके लिए कोई सर्विसेज थोड़ी ना दी है, बस आपको बस एक फ्री के पैसे मिल गए। हाँ, आपके पेरेंट्स को जो ये पैसे मिले होंगे उनके लिए वो फैक्टर इनकम है, क्योंकि वो उन्होंने अर्न किए होंगे, उन्होंने या तो लैंड रेंट पे दिया होगा या कुछ काम किया होगा या कैपिटल इंटरेस्ट मिला होगा, या अगर वो बिजनेस मैन है तो उनको प्रॉफिट मिला होगा, उनके लिए वो इनकम फैक्टर इनकम थी, लेकिन उन्होंने आपको एज अ पॉकेट मनी दी, आपके लिए ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल्स है, उसके तो मैंने बताया ये अर्न इनकम है और ये अनअर्न इनकम है, ये कमाई नहीं जाती है, फ्री के बैठे बैठे मिल जाती है। इसे इस इनकम को हम अपनी जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम में ये वाली इनकम को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इस इनकम को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के वक्त इंक्लूड नहीं करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, इसे नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते हैं।